हेलो गाइस, तो कैसे आई हो आप लोग? बहुत अच्छी होगी। और आप सभी के हमारा ब्लॉग वीडियो में स्वागत है गाइस। होली के आपके आपके फैमिली के हार्दिक शुभकामना हमारे तरफ से। हैप्पी होली। और ऐसी बनी रहेगा वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। जो नए देख रहे हैं आप लोग, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चलते हैं, देखिए हम छत पे अभी आए हैं अब खाना बनाने के लिए। तो चलते हैं गाइस, बनी रहेगा वीडियो में। देख सकते हैं गाइस, हम पालक ले लिए हैं। अब पालक के हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। उसके बाद आज हम क्या बनाने वाले हैं गाइस? पालक और पनीर। तो बनी रहेगा वीडियो में गाइस। तो हम साफ कर लेते हैं, चलते हैं हम साफ करके, फिर उसके बाद आप लोग के दिखाएंगे। बनी रहेगा। पालक साफ कर रहे हैं। अभी चिड़िया ने बोल रहे थे कितना अच्छा शांत लग रहे हैं। जब बोलता है तो एकदम काम वेट कर देता है। चार बच्चे हैं। बैठ ले, पी ले, पी ले, चाय और पी ले। नहीं पिए Thank you.
देख सकते हैं गैस हम साफ कर लिए हैं पालक के, चलते हैं अब बनाने के लिए रेडी। इतना कचरा निकल गए हैं। होली है भाई, होली है, बुरा न माने होली है। आप सभी अच्छी से होली मनाइएगा धूमधाम से। और हम तो बाहर है गाइस, तो इसलिए होली नहीं मना सकते हैं। तो चलते हैं गाइस खाना बनाने के लिए। आप लोग बनी रहेगा, आज हम खाने में क्या क्या बनाएंगे। आज हम बनाएंगे गाइस पालक पनीर। तो पालक के तो हम साफ कर लिए हैं गाइस, और चलते हैं अब नीचे। हम अभी छत पे आई हैं, देख सकते हैं गाइस हम पालक के धो रहे हैं। रोटी बना लेता हूँ, चावल खाने के ना रहते चावल खाना। रोटी बना लेता हूँ, चावल बनाए और क्या, मुझे चावल अच्छे लगे। आज रोटी बना ली, हाँ रोटी और पालक के ज़्यादा ना। अरे इतने तो पापा कहता अब गर्मी आ रहे है, मेरा मतलब है कि नमक मिर्ची। हाँ ज्यादा अब नहीं खेराई दिया पापा, मना कह दूं मैं कि फीके फीके लग रहे थे चावल पर। फिर भी ठीक है, तेरे लिए अच्छी नहीं है, हमारा सबके लिए अच्छी है। ज्यादा फिर तेरे लिए मसाला एकदम ठीक ठीक था। पापा ना तो खड़े रहता तो कम तक बोल वो करता रहे ठीक। खड़ा मसाला डालने के लिए मना किए थे वहाँ के, हाँ मना किए थे। तो गैस देखिए पालक धो लिए हैं और हम गैस चला रहे हैं। पालक थोड़ी सी उबाल लेते हैं, पहले तो लहसुन प्याज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस इसमें हम धनिया डाल रहे हैं, इसमें जीरा डाल रहे हैं, इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, कम डालते हैं धनिया डाल रहे हैं। देख सकते हैं गाइस हम बस छील रहे हैं। गर्मी आ रहे हैं, लहसुन सूख गया है, लहसुन में कोई दम नहीं है। देखो इसका रख लो, अब हम पीस लेते हैं गाइस। तो देख सकते हैं गाइस हमारा पालक उबल गई है और हम गैस के बंद कर देते हैं। चलो अब निकालना फिर। तो देख सकते हैं गाइस पालक हमारा उबल गई है और हम यहाँ पे थोड़ा देर ठंडी होने के लिए, फिर ठंडी हो जाएगी फिर जार में पीसेंगे। और देख सकते हैं इधर हम मसाला पीस लिए हैं, जीरा धनिया
काली मिर्च, रसून। अब चलते हैं गाइस हम प्याज काटने के लिए और टमाटर। तो देख सकते हैं गाइस हम प्याज कट कर रहे हैं, देखिए प्याज के ले लिए हैं और इसके हम कट कर लेते हैं। और देखिए 6 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्ची लिए हैं गाइस, तो प्याज के कट कर लिए हैं गैस, बहुत कड़वी लग रही है। प्याज काटते काटते कड़वे लग रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस हम मिर्चाई काट रहे हैं। तो मिर्चा काट लिए हैं गाइस और हम इसके टमाटर काट रहे हैं। प्याज बहुत कड़वी लग रहा है, आंख लग रहा है तुम काटते काटते। काटी हो ले लिए, काट लिया, वीडियो चालू। अच्छा इसको एक काम करो, छीलने के बाद पानी में डाल दिया करो कम से कम 1-2 मिनट के लिए। बहुत आंख लग रहा है, मुंह धोली अभी देखो प्याज काटते काटते। तो बस तब क्या मिर्ची नहीं लगेगी अगर ऐसे करें तो। देख सकते हैं गाइस टमाटर काट लिए हैं और हम चलते हैं पापड़ हो गए। पापड़ हो गए तो देखिए गाइस हमारे जो चावल के पापड़ थे वो एकदम अच्छे से सूख गए हैं। तो अब हम इनको तलेंगे होली के दिन। देखिए सब पीस उस के रख देते हैं, हम सारी तैयारी कर लेते हैं, जब पापा आएंगे फिर हम तब छौका मार देंगे इस पे। पालक के पीस के रखते हैं, आटा लगा लेंगे। आज हम रोटी बना रहे हैं पालक पनीर के साथ, क्योंकि कल हमने मसाले वाले चावल बनाए थे तो हम
कल हमने मसाले वाले चावल बनाए थे तो इसलिए आज हम रोटी बना रहे हैं। तो देखिए अब हम जा रहे हैं पीसने। तो देख सकते हैं गाइस हम पीस लिए हैं पालक के। टमाटर के पीस लो क्या? पीस लो, ग्रेवी हो जाएगी, अच्छी ग्रेवी हो जाएगी, अच्छे से ग्रेवी हो जाएगी। आप चाहे तो टमाटर पीस भी सकते हैं, नहीं भी पीस सकते। हम तो पीस रहे हैं टमाटर, वैसे तो हम ज़्यादातर काट के ही डालते, नहीं तो आज ग्रेवी बन जाएगी अच्छे से। तो हम टमाटर को भी पीस रहे हैं। तो ये देखिए हमने टमाटर भी पीस लिए हैं। तो अब हमारा सारा मसाला हो गया, प्याज कट गए, मिर्ची कट गई, मसाला हो गया, पालक पिस गया, टमाटर पिस गया। तो अब हम आटा लगाएंगे। फिर जब पापा आएंगे प्याज को पनीर लेके, फिर हम उसमें डालेंगे, फिर छौंका मारेंगे हम। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर और रोटी। तो देखिए हम खड़े मसाले में क्या क्या ले रहे हैं। दो तीन तेज पत्ते और एक थोड़ी सी अदरक। अभी हम इसको घिस लेंगे कद्दूकस से, जिससे क्या है टेस्ट अच्छा आएगा इसका। मसाले में तो वैसे भी पीसते हैं, पर लेकिन जब ऐसे डालते हैं घिस के तो फिर अच्छे से स्वाद आता है। किन किन लोगों को पालक पनीर पसंद है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही बात, पनीर तो सबके पसंद आएगी, पनीर तो फेवरेट चीज है। मतलब पालक पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर, क्या क्या पसंद है, मटर पनीर, क्या क्या पसंद है लोगों को? सबके पसंद है सब। तो अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी भी ले रहे हैं हम खड़े मसालों में, बड़ी इलायची है, चक्करफुल तो नहीं डालेंगे, पापा गुस्सा करेंगे। अब गर्मियां आ गई तो अब हम ज्यादा गर्म चीजें नहीं डाल रहे हैं, बस दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, अदरक और बस थोड़ा सा लहसुन। और हमने इस मसाले में भी बस साबुत धनिया और काली मिर्च और जीरा पीसा है बस। तो हम लहसुन को ऐसे कूट लेंगे ओखली में। सब लगा लो के रखेंगे, फिर बना लेंगे चटर चटर पापा जी का। रोटी पापा के आने के बाद बनाओगे या बाद में बनाओगे? बाद में ठंडी हो जाए। हाँ, तो देखिए अब हम लहसुन को कूट रहे हैं। तो देख सकते हैं हम आटा छान रहे हैं। अब हम इसे गूंथ लेंगे इसमें नमक डाल के। हम थोड़ा सा आटा वैसे ही निकाल रहे हैं रोटी के लिए। इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं गाइस। हमारे कोई भी नहीं खाता बिना नमक की रोटी, ना चावल ना रोटी। तो अब देखिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ देंगे।
वैसे तो आटा गूंदना सबको ही आता है। हाँ, पर लेकिन जैसा हाथ से गुथा जाता है ना वैसे मशीन में बढ़िया होता है। हाँ, कौन सी मशीन में? आटा वाला। हाँ आटा वाला दे ले जाओ, पानी दे दो, आटा दे दो, अपने मिल जाता है। हाँ उसमें भी हम लगे ही पापा ये तो बनाई सकते हैं गाइस। हमारा खुशी में लाया है मशीन के इस वजह से भुजिया लेके आए। देखिए आप लोग भी आइए, कौन मशीन तो फोटो स्टेट के मशीन आज से शुरू किया, इसलिए देखिए मशीन के बदल लाए हैं भुजिया। और देखिए हमारा पनीर लेके आ गए हैं, अब सब्जी बनाएंगे गाइस पालक पनीर। और आप सभी आइए भुजिया खा लीजिएगा और चलते हैं हम दूध रखने के लिए, लेकिन दूध लेकर अभी भी आए हैं फ्रिज में रखने के लिए। चलते हैं गैस सब बनाने के लिए। देखिए पनीर लेके आ गए हैं और अब टपट हम रोटी सब भी बना लेते हैं। पंखा अच्छा, तो चलते हैं गैस खाना बनाने के लिए, फटाफट बना लेते हैं रोटी सब्जी। देख सकते हैं गैस हमारा रोटी बन के रेडी हो गई है और हम अब सब्जी बनाएंगे। रोटी बनाई, रोटी चावल नहीं बनाए थे, चावल रात में भी खा ली। तो देख सकते हैं गाइस हम देखिए सरसों तेल डाल रहे हैं इसमें, पहले हम पनीर के तलेंगे। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा रहने दें, थोड़े से मोटे पर छोटे है ना, मोटे बाद में काटेंगे ना। हम तो एक ही दफे गोटे पकड़ काट दी, हम एक ही दफे तल देंगे। एक ही दफे तल देंगे, ठीक है तल के फिर डालेंगे पानी डालेंगे। पानी ले लेते हैं तो ये हमने एक पतीले में पानी ले लिया, प्याले में हम इनको तल के इनमें डालेंगे पनीर को, ताकि ये हार्ड ना हो जाए, नरम नरम रहे अंदर से। तो ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, गाइस हम इसमें प्याज डाल दिए हैं, तेल गरम हो गई। तो देख सकते हैं गाइस इधर पनीर हमारा तल रहे हैं। इससे पोछ देखते हैं गाइस हम सारा मसाला डाल दिए हैं और इसमें अभी और मसाला बाकी है, इसमें डालने के लिए मिर्चा डाला, धनिया डाला है,
जीरा कल मिर्च जो पीसा था वो एक पेस्ट डाल दिया। अभी सकते हैं गाइस, आज हमारा टपी देखिए कैसे किचन के दरवाजे पे मुड़ी अंदर करके देखते रहते हैं कि क्या बना रहे हैं। आज देखो ना जी, इधर देखिए, देखिए देखो कैसे देख रहे हैं, इधर देखिए ना जा, देखिए ना इधर। गाइस हल्दी धनिया मिर्चा सब डाल दिया इसमें एक साथ, और पालक भी डाल दिया है। आज नया तरीके से खाना बन रहा है। इसमें देखिए रस थी टमाटर के पेस्ट, आह कलर देखिए कितना अच्छा आ गई, एकदम हरा हरा आ गई। पालक पनीर कभी खाया क्या जे? नहीं मैं तो कभी नहीं खाया। कभी नहीं खाया? तुम्हारे गांव में बनता है? मेरे गांव में तो बनते हैं पालक पनीर। हमें तो पालक पन पालक अब पनीर नहीं खाया तो इसलिए हम पूछ रहे हैं आपकी। गाइस हमारा तो पनीर तला गई है, पानी में नहीं डालेंगे सख्त हो जाएगा। गाइस इसमें पनीर डाल रहे हैं, आज हमारे घर बन रहे हैं पालक पनीर। तो किसके किसके पसंद आते हैं गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जिसके पसंद आते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके आ जाइएगा हमारे घर खाना खाने के लिए। देखिए आज हम पालक पनीर बना रहे हैं। रोटी इसके साथ बनाया, उधर देखिए चावल बन रहे हैं। हे गाइस इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, और हमारा पालक पनीर रेडी हो गई बन के। गाइस देखिए कितनी अच्छी कलर आ गई, देखिए रोटी के साथ खाएंगे तो सूखे बनाएंगे। अजय अजय हम चूर डाल देता है, मैं हम तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा। हाँ तुम पता नहीं क्या क्या देखेंगे पहली बार। हाँ तो हम तो पहली बार देख रहे हैं, हम चूर डालते हैं इसमें। तो देख सकते हैं गाइस हमारा बनके रेडी हो गई है पालक पनीर, और देखिए रोटी के साथ बनाया है सूखा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला है खाने वाने, देख सकते हैं। और हम गैस सब बंद कर देते हैं और चलते हैं गाइस। सब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी आइए खा लीजिएगा और चलते हैं। देखिए रोटी सब्जी ले लिए हैं और मिलते हैं खाना वाना खा के नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक बनी रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और 10 बजने वाला है गाइस तो चलते हैं खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। तो देख सकते हैं गाइस बहुत टेस्टी बना आज सब्जी।